डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, है ना? मजे में होंगे, खुश होंगे। कोरोना के बाद की स्थिति कुछ हद तक सुधरी है ना? अब सुधरी है तो उसका तो मजा लेना होगा, है कि नहीं? अगर देखिए, रेलवे की परीक्षाएं होने वाली हैं तो रेलवे की तरफ तो आपका ध्यान जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक सीईटी नामक एक नया योजना आया हुआ है भारत सरकार का, वो लागू नहीं हो जाता है तब तक इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं निकलता है, है ना? ऐसे में वहां सीईटी के बारे में बोला गया था, ठीक है? सीईटी में बोला गया था कि चारों जो तीनों जो मेन परीक्षाएं हैं, एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे, तीनों को इसी के अंदर में कंडक्ट किया जाएगा। जहां पर आपको प्री देना होगा मेंस, उसके हिसाब से देना होगा। अपने 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 जो इस पहले से ही मेंस की सर्च ले रहे थे वो लेते रहे, बस प्री सबके लिए हो जाएगा, जहां पर अब रेलवे के विद्यार्थियों को भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? संभवतः इसी वजह से बच्चों का जो रुझान है ना, इसी बात कुछ ना कुछ कर लेना है भाई, ग्रुप डी में कुछ कर लेना है, क्या ग्रुप डी में कुछ कर लेना है क्या? यही है ग्रुप डी, ठीक है? जिसके लायक शायद आप बने नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि कोरोना जैसी महामारी ने लोगों को सिखा दिया कि परेशानियां सबके जीवन में हर तरह जा सकती हैं, है ना? कोई भी इस तरह से के दुख से बच नहीं सकता है, है ना? तो ये तो समस्या सबके साथ है, आपके साथ भी है, तो सही ही है। नहीं मिलते वाले व्यक्ति को कुछ ही मिल जाए वो बेहतर माना जाएगा, है? तो ऐसे में आपको हम बोलेंगे कि जो मिल रहा है उसको प्राप्त कर लीजिए, ठीक है? तो हमारी भी योजनाएं इसी तरह की बनी है। जैसे अभी हमारा जो योजना है बाबू, जैसे अभी देखिए एसएससी टायर थ्री का, सीजीएल का, है ना, टायर थ्री चलने वाला है, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आएंगे, ठीक है ना? यहाँ पर मेनली हम तो चाहेंगे कि हर जगह पेपर, हर पेपर इंग्लिश में ही हो, ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो इंग्लिश में ही देना बेहतर है, रिजल्ट भी अच्छा बनेगा, ठीक है? इसके आधार पर हम सोच रहे हैं कि कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर का, है ना, हम क्या करें बाबू, तो स्पेशल एसी, ठीक है, और इन सब के बारे में आपको कुछ बता दें। तो ये अगले दिन से आपके पास वीडियो अपलोड होने रहेगा इस चीज को लेकर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को लेकर। लेकिन जो विद्यार्थी अभी एसएससी की तरफ मुंह ही किए हैं, है ना, उनके लिए सबसे बेहतर क्या होगा बाबू कि एलएसी या सीजीएल का जो प्री वाला पेपर है, है ना, वो अभी से बनाना चालू कर दें। दैट मींस कहने का मतलब है नए आए विद्यार्थियों को इस बात का ही पता नहीं रहता है कि आखिर करना उनको क्या है, करना उनको क्या है, मतलब आप समझ रहे हो ना, उनको पता ही नहीं रहता है किस तरह से तैयारी करना है। और गांव में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भड़काने वाले लोग भी बहुत सारे मिलते हैं, तो भड़काने वाले लोगों से तो पहला वो बच करना है, क्योंकि तो भड़काने वाले लोग जो होते हैं ना, सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो आप में जो गड़बड़ियां नहीं भी है वो बता देंगे, ये बता देंगे कि एसएससी की तैयारी करना बहुत टफ है, उसमें ये ज्यादा पूछा जाता है, ये ज्यादा पूछा जाता है, कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं पूछा जाता है। जो आपकी पढ़ाई का सिलेबस का दर्जा है उसी के हिसाब से इसमें पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो सिस्टम है, इसी के हिसाब से आपको चलना भी होगा। दूसरी बात, एक मन से होगा निकाल दीजिए कि भाई एसएससी का कटअप बहुत ज्यादा चला गया है, बाबू नॉर्मलाइजेशन है ना। यदि आप रॉ नंबर आप ज्यादा से ज्यादा लाना चाहोगे, ज्यादा लाओगे तो ऑब्वियसली है कि आप रिजल्ट में रहोगे। अब कोई लड़का है 100 में 100 बनाता है, पता है गलती उसकी चली जाएगी, 40 गलती हो गई तो वो सब बेकार हो गया। लेकिन एक बच्चा है जो सिर्फ 70 क्वेश्चन टच करता है और कंफर्मेशन के साथ करता है, दैट मींस वो रिजल्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन तो यही कहता है। तो पहले भी तो 70 क्वेश्चन बनाने पर इनाम का रिजल्ट होता था, तो जब पहले भी 70 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होता था तो फिर आज इस बात का टेंशन क्यों लगा हुआ है कि सर रिजल्ट नहीं हो रहा? आज पहले से इजी है, बस समझने का फिर है, ठीक है? तो समझने के चक्कर में ना फंसे, ठीक है? हमारी नई योजनाएं जो आई हैं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? रिजल्ट तक आप आसानी से पहुंचेंगे, ठीक है? यदि हम मान लेते हैं 100% कंफर्मेशन के साथ कि सीट लागू होना है, तो उसे मार्च में अपना सारा फॉर्म करवाना, ठीक है, सीईटी के तहत, ठीक है? तो कोई बात नहीं, सीईटी के तहत जब होगा तो एसएससी का भी तैयारी करेंगे, बैंकिंग का भी तैयारी करेंगे और रेलवे का भी तैयारी करेंगे, तीनों की तैयारी करेंगे। यानी हर बच्चे को इंग्लिश पढ़ने की जरूरत हो जाएगी। तो वहाँ 25-25 वाला सिस्टम चलेगा, 25 यूनिट रहेगा, 25
इंजीनियरिंग मैथ जीएस और इंग्लिश तो है ही आपका मेरे साथ, ठीक है। तो इसके तहत या फिर एसएससी की आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी वो जो लगता है सीटी के अंतर्गत ही होगा, इसके तहत हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया दो भागों में बांट लेंगे। एक दिन क्या होगा तो सीएचएसएल का होगा, दूसरे दिन क्या होगा वो तो सीजीएल का होगा। क्लियर है? अभी प्रीवियस ईयर का चलेगा, बीच बीच में हम मेंस का भी पेपर आपको करवा देंगे। तो पहली बात ये हो गई कि हम लोग का प्रीवियस ईयर का पेपर चलेगा, ठीक है, मंडे से, है ना, मंडे से इस पर आपका वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो है वो ये है कि किरण पब्लिकेशन जो चल रहा था हम लोग का, ठीक है ना, किरण पब्लिकेशन, तो उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हम लोग को करना है वो ये क्या करना है बाबू, तो हम लोग उसका फिलर वाला सेक्शन देखेंगे। कहा जाता है कि जो किरण पब्लिकेशन के बुक को लगभग पूरी तरीके से बना लेता है, अच्छे तरीके से बना लेता है, तो उसे फिर समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर उसको आगे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे दौर में हमको क्या करना है बाबू, तो किरण पब्लिकेशन को देख के चलना है, तो उसके हम लोग फिलर पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो भी आपको मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसके वीडियो मंडे से अपलोड होना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी के दौर में सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, उसके लिए हमारा एक सेक्शन है जिसमें हम जीएस का भी कुछ पोर्शन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, जीएस का पोर्शन ऐड कर रहे हैं। उसमें हम पहले करेंट अफेयर्स को करेंगे, ठीक है, तो करेंट अफेयर्स के लिए अलग टीचर्स आएंगे इसमें, ठीक है, और स्टैटिक, ठीक है, जीएस इसके अंतर्गत इसको भी हम डालेंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा बाबू, तो स्टेट प्रैक्टिस होगा, ठीक है। किसी का भी सेट हो जरूरी नहीं है कि हमारा एक सेट हो, बस उसका क्वेश्चन देखिए हम लोग को डील करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत स्ट्रेटेजी इसके अंतर्गत होगा, और करेंट अफेयर्स अभी ग्रुप डी की परीक्षा होनी है बाबू, इसके हिसाब से जाते हैं कि मंथली वाइज आपकी तैयारी करवा दी जाए, ठीक है। तो ये मंथली वाइज आपकी तैयारी इसमें करवा दी जाएगी, जिससे आपका ग्रुप डी सेक्शन निकल जाएगा, क्या। तो सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग लेके चल रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रेटेजी है कि हम लोग रिजल्ट तक पहुंचे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन को फिर हम लोग ऐड कर देंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, बस आप लोग का साथ होना चाहिए। आप लोग का साथ होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो आप रिजल्ट तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी रही बाबू यहाँ तक की बात, ठीक है, तो मैं V.N.Deshmukh, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफ एसएससी इंग्लिश के तौर पर आपका प्रतियोगिता इंग्लिश क्लास से मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है। आप सभी बच्चों का हमारे इंस्टीट्यूशन में स्वागत है, ठीक है। मानते हैं बाबू अभी इंग्लिश की वैसी कोई भी ऐसी नहीं है जहाँ पर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दम लिंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो ऑनलाइन मोड हो, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में यदि बहुत सारे मेरे बच्चे जो अभी गाँव में गए और रेलवे की परीक्षाओं में फंस गए, या फिर आने में उनको बहुत सारा मजबूरी का सामना करना पड़ा जिस तरह से वो आ नहीं पाए, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि बाबू जहाँ पर भी हो हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, ठीक है। रिजल्ट हो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो, इसके लिए आप घर पर भी रह कर तैयारी करें, ठीक है। उसके लिए हम ऑनलाइन मीडियम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप ऐप के माध्यम से इसके ऊपर पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी ऐप रूप से नहीं करना है, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो वीडियो अपलोड होता है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। नए बच्चों को इससे जुड़ने का मौका मिलेगा, उनको ये पता चलेगा कि इंग्लिश क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए अभी नए बच्चे जो भी हैं वो किसके तरफ जा रहे हैं, वो डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें उनको MBA का परीक्षा देना होता है, एयरफोर्स का देना होता है, ठीक है। और इसी में अलग अलग सेक्टर हैं, इसके अलावा क्या हो जाता है बाबू, नेवी हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलग ट्वेल्थ की परीक्षाएं हो जाती हैं, इन सब परीक्षाओं को भी उनको देना होगा, ठीक है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए भी सबसे मेन सब्जेक्ट जो बन के आएगा आपके लिए वो क्या होगा बाबू, इंग्लिश। आप बस मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहो, इसके बाद आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि लोग में वही लोग जाते हैं जिनकी अपनी तैयारी बेहतर नहीं है, ठीक है ना। तो यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो हम डिफेंस के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे, वो तो हम अलग सेशन से जाएगा, ठीक है ना।
तो ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।